हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप उसको पूरा देखोगे, वीडियो को पूरा देखोगे और आप इस रेमेडी को अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपके स्किन की, आपके फेस की, हाथ पैरों की गंदगी बिल्कुल दूर हो जाएगी। जितनी भी धूल मिट्टी डर्ट जो आपके फेस पर जमा हो रखा है या आपके हाथ पैर काले पड़ गए हैं, वो एकदम से निखार आ जाएगा आपके हाथ पैरों में भी, और आपकी स्किन करेगी एकदम से ग्लो करने लगेगी। और सब पूछेंगे कि आपने कौन सा फेशियल किया, बड़े चमक रहे हो मैम आप। तो आज की जो रेमेडी आपको, बस आपको पूरा अच्छे से देखना है और देख के उसको अच्छे से अप्लाई करना है। ऐसी रेमेडी आपको आज तक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी अच्छी रेमेडी है जो कि आपकी जो भी एक्स्ट्रा जो भी गंदगी होगी उसको रिमूव करेगी और एक नई शाइन ऐड कर देगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने क्या फील किया। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेमेडी। तो गाइस, फेस को जवान रखने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, और फिर देखोगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है और आप कितने जवान दिखते हो। गाइस, हमें लेना है आधा आलू। आलू को हमने बॉईल किया हुआ है और बॉइल्ड आलू को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाना है। आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हो, जिस पानी में आपको आलू, जिसमें आपने आलू को बॉईल किया है ना, वही पानी आप इसके अंदर ऐड करें और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है इसका। गाइस, ये इतना इंटरेस्टिंग सा पेस्ट बनेगा, आपको खुद को लगेगा कि वाओ, ये तो डेफिनेट कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। इसके अंदर हमें ऐड कर देनी है बस सिर्फ दो चीज़ें, और सुपर डुपर जो ग्लो आएगा ना, उसको देख के आप खुद हैरान रह जाओगे। आपके हाथ पैर गर्दन सब पे इसको अच्छे से लगाना है, और उसके बाद में आप लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हमें लास्ट में रिमूव कैसे करना है। हमने डालना है इसके अंदर 1.5 चम्मच ओट्स का आटा, और उसके अंदर डालना है आधा नींबू का रस, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना, और मिक्स करके एकदम से स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ओट्स को भी अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो वो अच्छे से इसके अंदर से मैश हो जाएगा, मतलब एकदम से मिक्स हो जाएगा। और ये देखो कितना फल पिज़्ज़ा, कितनी शाइन सी देगा आपके फेस पे। तो अब आगे आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को करना है क्लीन, और क्लीन फेस पे आपको इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अपने हाथों पे अप्लाई करना है, अपनी गर्दन को बिल्कुल मत छोड़ना, और फिर उसको करनी है हमें हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। मैं थोड़ी स्पीड से कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और 5 से 7 मिनट तक मसाज करने के बाद में आपको, आप इसके जो एक्स्ट्रा जो हमारे फेस पे जो लगा हुआ था ना, जो ये पेस्ट, उसको हमने उतार देना है। और उसके बाद में हमने लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हम आपकी सारी गंदगी को रिमूव कर देगा। हमने लेना है नींबू का छिलका, जो हमने इसके अंदर ऐड किया था वही नींबू, और इसे हमने पूरे फेस को अच्छे से रब करना है, और उसके बाद में ठंडे पानी से वॉश कर लेना। आपकी स्किन सुपर डुपर ग्लो करेगी। और रेमेडी है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।